नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि SLS और AOS इसमें से बेटर कौन सा है। मेरे काफ़ी सारे वीडियोस पे एक मैडम ने कमेंट की हुई है, SLS और AOS में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा साफ और सेफ और अच्छा है। तो आज के इस वीडियो में इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से डिस्कशन करेंगे। मैंने इसके ऊपर पूरी एक नोट बनाई हुई है, तो इससे मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगा कि भाई दोनों में से बेटर कौन सा है और किस प्रकार से ये वर्क करता है। सो SLS और AOS इन दोनों में से बेटर कौन सा है, इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे सल्फेट और सल्फोनेट के बारे में। अब सल्फेट और सल्फोनेट क्या होता है, अब देखिए SLS जो होता है इसका पूरा नाम होता है सोडियम लॉरल सल्फेट, ठीक है, यहाँ पे हो गया सल्फेट। और AOS जो गया इसका पूरा नाम होता है अल्फा ओलेफिन सल्फोनेट, यहाँ पे सल्फोनेट आता है और SLS में सल्फेट आता है। दोनों में समानता क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी आज के इस वीडियो में थोड़ा विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिनको जल्दी है वो वीडियो स्किप कर सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो अगर वो नॉलेज की बात है ना, तो नॉलेज ऐसा है भाई वो एक दो दिन में नहीं आता है, या ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट या 2 मिनट का वीडियो देख लो और आपको नॉलेज आ गया। नॉलेज को समय लगता है, चाहे फिर उसकी जगह पे कोई भी हो, आप हो या मैं हूँ, कोई भी हो, नॉलेज अगर सही तरीके से लेना है तो उसको समय लगता है। अगर मुझे भी कोई चीज़ जाननी है तो उसके रिलेटेड अगर कोई बुक है या कोई वीडियो है, तो मुझे भी उसको सही से पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे सल्फेट और सल्फोनेट, ये दोनों क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं सल्फेट। सल्फेट क्या होता है, सल्फेट एक आयन होता है जिसका रासायनिक सूत्र SO4 से होता है। अब यहाँ पे SO4 क्या हो गया, SO4 सल्फेट का ही रासायनिक सूत्र होता है। इसमें सल्फर के एक परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के चार परमाणु होते हैं। SO4, यहाँ पे एस हो गया सल्फेट सल्फर और ओ हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के चार परमाणु होते हैं और ये एक टेट्राहेड्रल संरचना होती है, ठीक है। इसके उदाहरण देख लो तो सोडियम सल्फेट हो गया, सोडियम लॉरल सल्फेट हो गया, सोडियम लॉरल इथल सल्फेट हो गया जिसको SLES भी कहा जाता है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है, डिटर्जेंट में, साबुन और शैम्पू में झाग बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में उपयोग होता है, और औषधियों में भी इसका उपयोग होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा सल्फेट है, ऐसा नहीं है कि SLS का उपयोग होता है, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे प्रकार आते हैं, जैसे मैंने बताया मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग क्लीनिंग प्रोडक्ट में नहीं होता, लेकिन उसका कहीं और भी उपयोग होता है। तो जहाँ पे सल्फेट आ रहा है ना, तो उसके इन अलग अलग चैप्टर, अलग अलग पार्ट में इसका उपयोग हो सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में या अलग अलग फैक्ट्री में इसका उपयोग होता है, लेकिन उसमें अलग अलग सल्फेट होते हैं। अब बात करते हैं सल्फोनेट। सल्फोनेट एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें SO3 होता है। अब देखिएगा सल्फेट में SO4 था जहाँ पे ऑक्सीजन के चार परमाणु थे, लेकिन सल्फोनेट में ऑक्सीजन के तीन परमाणु होते हैं, ठीक है, और ये दोनों ही कार्बनिक यौगिक ही होता है। और इसके अगर एग्जाम्पल देख ले तो सोडियम डोडेंसिल बेंजन सल्फोनेट होता है, जिसको हम आपने सुना होगा HDBS भी होता है, इसका एसिड स्लरी के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और भी कई सारे सल्फोनेट होते हैं, जैसे अल्फा ओलेफिन सल्फोनेट हो गया जिसको AOS भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, डिटर्जेंट और क्लीनर में, फार्मास्यूटिकल्स में, फिर कैटलिस्ट के रूप में, रासायनिक अभिक्रियाओं में। अब इसमें भी अलग अलग सल्फोनेट होते हैं, जैसे मैंने बताया सोडियम डोडेंसिल बेंजोनेट सल्फेट सल्फोनेट, उसके बाद हो गया AOS, अल्फा ओलेफिन सल्फोनेट। इसके अलावा और भी बहुत सारे सल्फोनेट होते हैं जिसका अलग अलग विस्तारों में इसका उपयोग होता है। अब इनके बीच में समानताएं देख लेते हैं कि दोनों के बीच में, सल्फेट और सल्फोनेट के बीच में समानता क्या होती है। दोनों के मूल तत्वों में सल्फर होता है, दोनों में नकारात्मक चार्ज होता है। अब चार्ज भी दो प्रकार के होते हैं, नकारात्मक और पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इसमें पहले से माइनस होता है तो ये खींचता है, अगर दूसरा केमिकल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पॉजिटिव चार्ज को अपने पास खींचेगा, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है ये अपना गुण सामने वाले को देगा। केमिकल की पूरी जो इन्फॉर्म
जो पूरी प्रक्रिया होती है इसमें सारी चीज़ें आती है, और दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं। हाँ सॉरी, दोनों के बीच में समानता है, मैं दोनों का उपयोग डिटर्जेंट और क्लीनिंग एजेंट के रूप में होता है, दोनों ही उपयोग हो सकते हैं। आप सफाई में भी उपयोग कीजिए, डिटर्जेंट में भी इसका उपयोग होता है, और जल में विलयता कि सल्फेट और सल्फोनेट पानी में डाइल्यूट हो सकते हैं। तो हाँ भाई, दोनों ही पानी में डाइल्यूट होते हैं, सल्फेट भी डाइल्यूट होता है, सल्फोनेट भी डाइल्यूट होता है। अब दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं। सबसे पहले संरचना देखी जाए तो सल्फेट में SO4 यानी कि 4 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, और सल्फोनेट में 3 होते हैं। दोनों के बंधन में केवल एस और ओ कॉमन होता है, लेकिन जहाँ सल्फोनेट की बात आती है वहाँ पे कार्बन का एक अलग से परमाणु भी ऐड होता है, उसमें फिर कोई भी परमाणु हो सकता है सल्फोनेट को अगर पूरा करना है तो। और जल में क्रिया देखें तो सल्फेट कभी कभी कठोर जल में असक्रिय हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा सल्फेट है, और सल्फोनेट अधिक प्रभावी होता है, कठोर जल में भी बेहतर काम करता है, ये भी डिपेंड करता है कौन सा सल्फोनेट है। ऐसा नहीं है कि भाई AOS ही पकड़ लो, और भी बहुत सारे सल्फोनेट होते हैं। अब सल्फेट हो गया, सरफेस एक्टिव एजेंट होता है यानी कि सतह पर गंदगी को हटाता है, पानी और तेल को मिलाने में मदद करता है। कई बार कुछ ऐसे जैसे हमने मेरे एक वीडियो में मैंने बताया था इमल्सिफायर, कि अगर पानी और तेल आपस में नहीं घुल रहे, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था ऑयल बेस्ड परफ्यूम का, कि अगर ऑयल बेस्ड परफ्यूम है वाटर में डाइल्यूट नहीं होता है, तो उसको वाटर में डाइल्यूट करने के लिए हम AOS का सॉरी अल्फोस का यूज़ करते हैं। तो अल्फोस क्या करता है, इमल्सिफायर का काम करता है। तो इसी प्रकार से जो SLES है वो भी कुछ हद तक इमल्सिफायर का भी काम करता है। तो यहाँ पे पानी और तेल को आपस में मिलाने का काम भी करता है सल्फेट। बालों और त्वचा पर झाग बनाने का कार्य करता है, ये तो हमें पता ही है, SLS है, SLES है, ये फॉर्म बनाने का काम भी करता है। सल्फोनेट खास तौर पर हार्ड वाटर कठोर जल में प्रभावी होता है, अगर इसको हार्ड वाटर में भी यूज़ किया जाए तो ये अच्छे से वर्क करेगा, फॉर्म अच्छी देगा, ज़्यादा टिकाऊ और स्थिर होता है, तेल और ग्रीस को अच्छी तरह से हटाता है, ये भी डिपेंड करता है कौन सा सल्फोनेट है। जैसे मैंने बताया सोडियम डोडेक्सिल बेंजोन सल्फोनेट, जिसको एसिड स्लरी भी कहा जाता है, ये क्लीनिंग पावर का भी काम, ये क्लीनिंग का काम करता है, और अल्फा ओलेफिन सल्फोनेट है, ये फॉर्मिंग का काम अच्छे से करता है, ये सफाई का भी काम करता ही है। अब निष्कर्षण देख लेते हैं तो सल्फेट है ये नॉर्मली साधारण और सस्ता होता है, उस जगह पे सल्फोनेट है ये थोड़ा महंगा होता है। इसका हम रिजल्ट भी देख लेते हैं, एसिड स्लरी और अगर SLES को कंपेयर किया जाए तो SLES एसिड स्लरी के मुकाबले कम प्राइस पे मिलता है। और सल्फेट कुछ लोगों को त्वचा से एलर्जी हो सकती है, कई लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे सल्फेट थोड़ा हार्मफुल हो सकता है, और सल्फोनेट अधिक कोमल और प्रभावी होता है, ये डिपेंड करता है कौन सा सल्फोनेट है। और झाग बनाने की क्षमता में दोनों ही झाग बेहतर अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझेंगे SLES और AOS यानी कि सोडियम लॉरल लिथल सल्फेट और अल्फा ओलेफिन सल्फोनेट। यहाँ पे अभी तक हमने समझा सल्फेट और सल्फोनेट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस और समानता क्या है। अब SLES और AOS के बीच में भी थोड़ा समझेंगे, उम्मीद है यहाँ तक समझने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन थोड़ा फिर से अच्छे से समझ लेते हैं कि SLES जो हमारा मेन टॉपिक है उसमें क्या है। तो SLES एक सिंथेटिक डिटर्जेंट और सर्फेक्टेंट है, और जो AOS जो है ये एनियोनिक सर्फेक्टेंट है, दोनों में डिफरेंस है। मैं जैसे मैंने एक सर्फेक्टेंट के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 4 अलग अलग सर्फेक्टेंट के प्रकार बताए थे, जिसमें एनियोनिक होता है, कैटियोनिक होता है, और भी मैंने कुछ प्रकार बताए हुए थे, तो उन लोगों में क्या डिफरेंट होता है मैंने वीडियो में अच्छे से बताया था, आप मेरी चैनल पर उसको भी सर्च कर लीजिएगा। और सोडियम लोरल सल्फेट का अगर गुण देखें तो अधिक झाग बनाता है, सस्ता और प्रभावी क्लीनिंग एजेंट है, शैम्पू फेस वॉश टूथपेस्ट में ये यूज़ होता है। और इसका नुकसान देख ले, कभी कभी त्वचा में जलन या सूखापन पैदा कर सकता है, डिपेंड करता है इसकी क्वांटिटी आप कितनी ले रहे हो, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए एक अच्छा विकल्प नहीं है, जिनकी स्किन में प्रॉब्लम है उनके लिए SLES ऑप्शन नहीं है। अल्फा ओलेफिन सल्फोनेट के बारे में देख लेते, इसके गुण क्या है, अच्छा फॉर्मिंग एजेंट है, पर्याप्त झाग बनाता है, हार्ड वाटर में भी प्रभावी है, त्वचा के लिए कम हानिकारक है, माइल्ड होता है, बायोडिग्रेडेबल है, तो इसका यूज़ आप कर सकते हो।
अब यहाँ पे एक मैं चीज़ क्लियर भी कर देता हूँ, जो कि मुझे कई लोगों ने इस के बारे में मुझे सवाल किया हुआ है कि एस एल एस की जगह पे हम AOS का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पे अगर वर्क करना है, फॉर्मिंग की प्रॉपर्टी पे वर्क करना है, क्लीनिंग की प्रॉपर्टी पे अगर आपको वर्क करना है, तो आप एस एल एस की जगह पे AOS का यूज़ भी कर सकते हो। लोगों के क्वेश्चन ये थे कि एस एल एस की जगह पे AOS डालने में प्रोडक्ट गाढ़ा हो जाएगा, तो भाई वो चीज़ नहीं होगी। ये मैं इस वीडियो में भी क्लियर कर देता हूँ, अगर आप एस एल एस की जगह पे AOS डाल के आप नमक डाल के प्रोडक्ट को गाढ़ा करने का सोचो तो वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो ये सवाल यार कमेंट में मत करना प्लीज़ कि भाई एस एल एस की जगह पे हम AOS डाल के प्रोडक्ट को गाढ़ा कर देते, कई लोगों ने इसके बारे में मुझे कॉल किया हुआ है। अब मुख्य तुलना देख लेते हैं एस एल एस और AOS के बारे में। सबसे पहले एस एल एस का पूरा नाम सोडियम लॉली इथल सल्फेट, AOS का पूरा नाम अल्फा अल्फेन सल्फोनेट। अब दोनों का वर्क देख लेते हैं। सल्फेट का वर्क, एस एल एस का वर्क सल्फेट होता है और AOS का वर्क सल्फोनेट होता है। जाग बनाने की क्षमता देख लेते हैं, तो एस एल एस में अधिक जाग बनाने की क्षमता होती है, AOS में मध्यम जाग बनाने की क्षमता होती है। त्वचा पर असर, जलन या एस एल एस जलन या रूखी हो सकती है, और AOS में अपेक्षाकृत कोमल रहती है, एस एल एस के मुकाबले थोड़ी सी कोमल रहती है। अब कठोर जल में प्रभाव, एस एल एस औसत प्रभाव देता है, कम प्रभाव देता है, लेकिन प्रभाव इसका रहता है, जबकि AOS ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है कठोर जल में भी। जैसे कि आपने देखा होगा डिटर्जेंट पाउडर होता है, कुछ ऐसे गांव वाले एरिया होते हैं जहाँ पे पानी हार्ड होता है, ज़्यादा करके बोरिंग का पानी यूज़ किया जाता है या फिर तालाब वगैरह का पानी यूज़ किया जाता है जिसमें क्षार की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर भी डिटर्जेंट पाउडर जो होता है ये अच्छे से फॉर्मिंग देता है। इसका रीज़न है कि उसमें ऐसे AOS का यूज़ किया जाता है जो कि अच्छे से फॉर्मिंग दे सकता है। अब उपयोग कहाँ किया जा सकता है, सस्ता शैम्पू, साबुन, फेस वॉश, माइल्ड शैम्पू, बेबी प्रोडक्ट्स, इन सब में इसका उपयोग किया जा सकता है। अब क्या चुने ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से। अधिक जाग और सफाई के लिए आप एस एल एस का उपयोग कर सकते हो। माइल्ड कोमल स्किन प्रोडक्ट के लिए, मतलब जो सेंसिटिव स्किन है उसके प्रोडक्ट के लिए आप AOS का उपयोग कर सकते हो। थिकनेस चाहिए तो एस एल एस का यूज़ करना है, सिर्फ फॉर्म चाहिए तो आप AOS का यूज़ कर सकते हो। सफाई के लिए तो दोनों ही सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सस्ता और प्रभावी है तो वो एस एल एस है, AOS के मुकाबले भी थोड़ा सस्ता ही है। अब ये डिपेंड करता है AOS अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हो, लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो या पेस्ट फॉर्म में ले रहे हो। लिक्विड के AOS लिक्विड के मुकाबले एस एल एस लिक्विड थोड़ा महंगा है, लेकिन AOS पेस्ट के मुकाबले एस एल एस लिक्विड सस्ता है। एक यहाँ तक की इंफॉर्मेशन है जो कि कमेंट था, उसके हिसाब से मैंने बताया हुआ है दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में समानता क्या है, और दोनों के जो मेन वर्ग है सल्फेट और सल्फोनेट उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, और अगर वीडियो को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको विस्तार से प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग लेनी हो सही मेथड से, जिसमें आपको फॉर्मुलेशन कैसे सेट किया जाता है, प्रोडक्ट को सही तरीके से कैसे बनाया जाता है, और पूरी प्रक्रिया आपको सही से समझ नहीं हो, तो आप मुझे दिए नंबर से संपर्क कर सकते हो, जिसमें मेरा पूरा ट्रेनिंग कोर्स है, ये ऑनलाइन है और ऑफलाइन दोनों है, आपको पूरी प्रोसीजर समझाई जाएगी। धन्यवाद।